हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस, फार्मिंग सिमुलेटर 20 के एक और गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। और आज भैया यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं कि सोयाबीन जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लांट कर रखी है, और ये पिछले गेम प्ले में भी आपको नज़र आ रही थी, और शायद उससे पिछले गेम प्ले में भी आपने कहीं ना कहीं देखी हो। तो बताने का मकसद ये है कि बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा और इतनी देर के लिए होती रही कि मैं जो है वो कोई भी क्रॉप जो है वो ढंग से हार्वेस्ट नहीं कर पाया। तो अभी फ़िलहाल बारिश जो है वो रुकी है, तो अभी जो है वो मतलब कि मैं यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले जो है वो मैंने अपने सनफ्लावर के जो फील्ड्स हैं उनको हार्वेस्ट कर दिया, जो कॉटन के फील्ड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी क्योंकि हमारा कॉटन चैलेंज चल रहा है साथ ही साथ पैरेलल, और हमने जो है वो उसको एंड नहीं किया है, तो भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं हम अपने कॉटन बेल्स के चैलेंज को कंप्लीट करने में। और आई जस्ट होप कि हम जो है वो बहुत जल्दी ही अपना कॉटन बेल्स वाला चैलेंज जो है वो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। दो हार्वेस्टर्स और दो ट्रैक्टर जो है वो हर वक्त कॉटन बेल्स चैलेंज के को पूरा करने के चक्कर में जो है वो लगे रहते हैं। दो ट्रैक्टर्स डेफिनेटली प्लांटिंग के लिए कॉटन, और दो हार्वेस्टर्स जो हैं वो कॉटन को हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज जो है वो हमने कुछ डिफरेंट किस्म के काम, मतलब कि मल्टीपल काम्स करने हैं, कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं है कि भाई ये करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम जो है वो यहाँ पे सोयाबीन्स हार्वेस्ट कर रहे हैं, सोयाबीन्स। और डेफिनेटली इसकी जगह पे हमने जो है वो एक न्यू क्रॉप भी प्लांट करनी है। वो न्यू क्रॉप कौन सी प्लांट करनी है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो है वो हम यहाँ पे ये थोड़ा सा फील्ड जो है वो क्लियर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हेल्पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर लगा देता है, टाइम लगा देता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा जो है ये हार्वेस्टर काफ़ी नेक्स्ट पहुँच जाए, आगे चली जाए, फिर जो है हम यहाँ पे अपनी दूसरे व्हीकल्स और टूल्स वगैरह जो है वो लेके आएंगे। ठीक है, और कौन सी क्रॉप प्लांट करनी है हमने यहाँ पर शुगर बीट्स प्लांट करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमने यहाँ पर शुगर बीट प्लांट नहीं की। तो ये दो ही फील्ड्स होंगे जहाँ पर हम शुगर बीट प्लांट करेंगे। हो सकता है कि तीसरा, क्योंकि ये जो हमारा फील्ड है बिग जोज सुपरमार्केट वाला जो भी है इसको कहते हैं, ये काफ़ी है ना बड़ा वाला फील्ड है, तो इसको मतलब कि हम काफ़ी यहाँ से हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो यील्ड निकल आएगा। तो शुगर बीट प्लांट करने के लिए ये दो ट्रैक्टर तो बिजी हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेट अ मिनट, तो इसके अलावा हमारे पास ये वाला ट्रैक्टर फ्री है, तो यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ पे रख छोड़ा है मैंने अमेज़ोन वाला कल्टीवेटर। आई जस्ट होप, वैसे तो इस कल्टीवेटर को 400 हॉर्स पावर चाहिए और इस ट्रैक्टर की हॉर्स पावर जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आई जस्ट होप कि ये वाला ट्रैक्टर जो है वो ईज़िली पुल कर लेगा इस वाले कल्टीवेटर को। बेस्ट मैच ये था कि इस कल्टीवेटर के साथ हम जो है वो जॉन्डियर का 1050 ट्रैक्टर 1050 वैरियो जो है वो उसको यूज़ कर, जॉन्डियर का नहीं यार, वो फेंट का है, फक मतलब इस बेस्ट मैच ये था कि हम इसके साथ फेंट का जो है वो 1050 ट्रैक्टर यूज़ करते, लेकिन अब क्योंकि वो ट्रैक्टर हमारा ऑलरेडी बिजी है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर प्लांटिंग अदर क्रॉप्स, और उसके पीछे हमने बेसिकली सीडर डाल रखा है ना वदर स्टेड का, तो वो तो जो है वो वहाँ पर बिजी है, तो उसको तो हम जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसकी जगह पे हम जो है वो ये वाला ट्रैक्टर यूज़ कर लेते हैं, ड्यूट्स फार सीरीज 9 का। और कॉट रैक जो है वो भी यहाँ पे भैया बिजी, अबे ये क्या हो रहा है तो जो कॉट रैक है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी है, वो भी जो मतलब आगे आगे वो कल्टीवेट कर रहा है, पीछे पीछे जो है वो जॉन्डियर का ट्रैक्टर। ओके, आई गेस 10 की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 13-14 पे ये ईजीली चला जाएगा, नॉट अ बिग डील। और यहाँ पे हमारा केस का एक ट्रैक्टर है, छोटे वाला केस का ट्रैक्टर, ये वाला नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। इसको जो है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला हेल्पर जो है हम यहाँ पे हायर कर देते हैं। ठीक है, और ये इस वाला ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा था, तो इसको अभी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हॉर्स का प्लांटर पड़ा हुआ है, तो इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो इस प्रोसेस के बाद हमारे तकरीबन सारे ट्रैक्टर जो है वो बिज़ी होने वाले हैं, तो मोस्ट लाइकली हम और कोई काम जो है वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे ट्रैक्टर जो है वो इंगेज होने वाले हैं अब से। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से ये वाली शुगर बीट्स। ठीक है, तो शुगर बीट हमने कर ली हैं सेलेक्ट, और इस वाले सीडर की रेंज जो है वो
9 meters रेंज है इसकी, आपको पता ही होगा, और जो कल्टीवेटर है उसकी रेंज से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम इसीलिए जो है, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं थोड़ा सा कल्टीवेटर्स को जो है वो यहाँ पे टाइम दे दूँ, ताकि कल्टीवेटर जो है वो आगे आगे जो है वो खासा फील्ड जो है वो मतलब उसको कल्टीवेट कर दे, फिर ही जो है वो हम ये वाला प्लांटर उसकी जगह पे लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, हार्वेस्टर की इस सूरत में जो है वो रेंज सबसे बेहतर है, आप देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर अब हार्वेस्टर भर जाती है तो हमारे पास एम्प्टी करने के लिए कोई ट्रैक्टर बचा नहीं है, जो कि मतलब जिसके पीछे हम जो है वो टिप्पर हाउल कर लें। तो अगेन इस तरह की सिचुएशन में अभी मतलब क्या लगता है कि हमारे पास एक ट्रैक्टर और होना चाहिए। ठीक है, मेरा प्लान बन भी रहा है कि एक ट्रैक्टर जो है मैं और बाय कर लूँ, लेकिन अच्छा चलो अभी सोचते हैं कि क्या करते हैं, क्या करना है। यहाँ पे मेरा प्लान बन रहा है कि अभी जो है वो मैं क्या बोलते हैं यार, जॉन डियर का ले लूँ 8R। ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या कर रखा है मैंने, ओके, तो टाइम को थोड़ा सा हम जो है वो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि हमारी जो है वो क्रॉप वो अच्छे से तरीके से जो है वो हो सकें, मतलब कि रेडी टू हार्वेस्ट हो जाएं जल्दी जल्दी से। और ये आई नो कि इट्स अ वेरी अनरियलिस्टिक वे, लेकिन अभी क्या करें भाई। ये वाला फील्ड तो आप देख सकते हैं कि ये अभी तक सिर्फ आधा ही रेडी टू हार्वेस्ट हुआ है, बाकी का आप स्टेटस देख सकते हैं इसका। वो ये तो मेरे ख्याल से जल्दी होने वाला है नहीं। तो मीन वाइल जो है वो हम यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे गई शॉप। ओके जी, तो लेट्स सी के ट्रैक्टर्स जॉन डियर। ओके जी, 380,000 डॉलर का ये ट्रैक्टर हमें पड़ेगा। और भाई ये ट्रैक्टर बहुत महंगे हैं, मतलब इनकी हॉर्स पावर भी कम है और प्राइस भी ज़्यादा है, वेरी स्ट्रेंज यार। और यहाँ पे क्लास का जेरियन हमें पड़ रहा है 4 लाख का। ठीक है, तो आई एम वेरी कन्फ्यूज़्ड, और मैं चाहता हूँ कि जॉन डियर की व्हीकल्स जो है मैं एक ही दफ़ा बाद में ख़रीदूँ, मैं क्या करूँ, आई एम वेरी हेला कन्फ्यूज। चलो यहाँ पे मैं क्लास का जो है वो जेरियन बाय कर लेता हूँ, जॉन डियर की व्हीकल जो है वो हम बाद में इकट्ठी बाय करेंगे। ठीक है, एक पूरा ये वाली सेल कर देंगे और जॉन डियर की जो है वो बाद में इस इन व्हीकल्स के साथ जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारा क्लास का ट्रैक्टर। तो ये आपको पता है कि थोड़ा सा अजीब सी वोंकी सी इसकी फिज़िक्स है, तो इसको मैं ज़्यादा मतलब कि फील्ड वर्क के लिए तो यूज़ नहीं करूँगा। हाँ अलबत्त इसको थोड़ा सा टिप्पर वगैरह हाउल करने के लिए यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो करने के लिए इसको मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन मोस्ट लाइकली शायद मैं इसको फील्ड वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ ना करूँ। ठीक है, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस भी थोड़ा सा अजीब सा है, और वैसे भी इसकी फिज़िक्स जो है वो टर्निंग रेडियस है भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट, लेकिन हॉर्स पावर इस बंदे की जो है वो काफ़ी तगड़ी है। ठीक है, सॉलिड हॉर्स पावर है, तो उस वजह से मतलब कि RPM जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। टिपर को हाउल करना इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दिस ट्रैक्टर कैन हैंडल टिपर्स वेरी इजीली। और आपको ये शायद रिडिकुलस चीज़ लग रही हो कि यार इतने बड़े ट्रैक्टर से मैं सिर्फ टिपर हाउल करूँगा, लेकिन मेरे को तो भैया ऐसे ही मजा आता है। सही बात है, अपना अपना स्टाइल होता है गेम खेलने का, मेरे को तो जो है ये इसी तरह से पसंद है गेम खेलना। मैं चाहता हूँ कि टिप्पर जो है ना वो किसी ऐसे ट्रैक्टर के पीछे लगाओ जो कि बस खींच ले उसको, मतलब छोड़े ना टिप्पर को। मतलब होता है ना कुछ ट्रैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा देर लगा देते हैं एक्सेलरेशन पकड़ने में, तो मेरे को इस तरह के ट्रैक्टर्स जो है वो बहुत ही जहर लगते हैं टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो ये वाला फील्ड हमारे हेल्पर ने जो है वो कर लिया है, तो अभी हम जो है वो ये वैसे बनने वाली है हार्वेस्टर हमारी, तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक बॉर्डर बना देता हूँ, ताकि हमारा अबे ये तो मेरे को मैनुअली करना था ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एज मैं फ्री कर देता हूँ, ताकि हमारी हार्वेस्टर जो है वो पीछे से ही मुड़ जाया करे, आगे ना आए, क्योंकि आगे आएगी तो फिर जो दूसरे ट्रैक्टर एंगेज हैं फील्ड से वो उनके साथ प्रॉब्लम करेगी, तो वो उनको ब्लॉक करेगी, हेल्पर वगैरह जो है वो फिर ब्लॉक हो जाते हैं। आपको भी पता ही है क्या स्टोरी है फार्मिंग सिम्युलेटर 20 की, हेल्पर्स जो है वो यहाँ पे बड़ी इजीली ब्लॉक हो जाते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये एज इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ, ताकि हमारे हार्वेस्टर को जो है वो एक
हाँ डिस्टेंस मिल जाए थोड़ा सा, ताकि वो जल्दी जल्दी से जो है वो टर्न ले लिया करे, पीछे से ही टर्न ले लिया करे, ज़्यादा आगे ना आए और आके हमारे दूसरे जो हेल्पर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो इसके बाद हमारे पास हे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसको मैंने अरेंज भी कर रखा है, और काउस का जो हे है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वो भी हमने उनको डालना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन है एनिमल्स का, एक दफ़ा मैं यहाँ पे जो है वो कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। अबे यार ये क्या कर रही है, ओके लेट्स गो। ओके जी, तो ये वाला हेल्पर यहाँ पे भी फ्री हो चुका है, तो टाइम और क्रॉप्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो वेल आई गेस के अभी हम यहाँ पे इस हेल्पर को हायर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस हार्वेस्टर को जो है वो एम्प्टी कर लेते हैं, बिकॉज यू गाइस जस्ट सा कि इसका जो बिन है वो 80% फुल हो चुका है। तो इसको अभी हम यहाँ से इस वाली हार्वेस्टर को एम्प्टी कर लेते हैं, ताकि हम बाद में जो है वो सुकून से हे वगैरह कलेक्ट कर सकें, और बाद में हमें जो है वो इस हार्वेस्टर के एटलीस्ट कोई टेंशन कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा एक आगे और फील्ड है पिग फार्म के सामने वाला, उसको भी जो है वो अभी हमने एम्प्टी करना है। ओके, तो एक तो इस हार्वेस्टर का पाइप बहुत ही ज़्यादा लंबा है भाई लोग, ओ भाई, और अभी ये हार्वेस्टर यहाँ पे रुकेगी नहीं। ओके रुक गई, वाह मुझे लगा था नहीं रुकेगी, क्योंकि अक्सर एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं जो है वो मतलब कि ऐसे साइड पे टिपर लगाता हूँ और हार्वेस्टर जो है वो रुकती नहीं है, वो बस अपने काम लगी रहती है, हेल्पर जो है वो ब्रेक नहीं लगाता हार्वेस्टर की, ताकि वो एम्प्टी बिन जो है वो हार्वेस्टर का एम्प्टी हो जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है इस बार इसने ब्रेक लगा ली। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ट्रैक्टर को साइड पर कर देते हैं, ताकि ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है, और यहाँ पे हो गए। अबे यार ये मतलब कि हमने यहाँ पे हेल्प हायर करना था, शीट। ओके, तो ये हम यहाँ पे, आई जस्ट होप कि ये वाला ट्रैक्टर जो है वो प्रॉपरली पुल कर ले इस सीडर को, प्लांटर को, कर ही लेगा मेरे ख्याल से, इसको कौन सा इतनी हॉर्स पावर चाहिए। ओके, उसी स्पीड से कर रहा है जिस स्पीड से आगे कल्टीवेटर जा रहा है, तो टेंशन की इतनी मतलब की ज़रूरत है नहीं। तो इस वाले इस प्लांटर को अभी हम यहाँ पे शॉप पे थोड़ी देर के लिए पार्क कर देते हैं, और क्योंकि ट्रैक्टर भी यहीं पे खड़ा है, आगे वाला फील्ड जो है वो अभी इतना रेडी नहीं हुआ कि हम जो है वो उसके ऊपर जो है वो कल्टीवेट कर सकें उसको, तो केस का ट्रैक्टर जो इसका कंपेनियन ट्रैक्टर है वो भी अभी तक यहीं पर खड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास है थोड़ा सा टाइम, हम इस ट्रैक्टर को जो है वो थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लें, ठीक है, और टाइम मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। होपफुली जो बाकी का पोर्शन है उस फील्ड का वो भी जल्दी जल्दी से जो है वो रेडी टू हार्वेस्ट हो जाएगा, तो हम उसको भी जो है वो हार्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो ये वाला सीडर इसको धुलवा लेते हैं एक दफ़ा, काफ़ी गंदा हो रखा है यहाँ पे। ओके, तो ये गुड थिंग का ट्रैक्टर भी साथ ही धुल गया है, तो इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पर पार्क कर देते हैं। और अभी हम ढूंढते हैं जी कि हमारी लोडिंग वैगन यहाँ पे एक हुआ करती थी, वेयर इज़ आवर लोडिंग वैगन, ऑफ कोर्स पार्किंग वाली जगह पे ही होगी, ठीक है, वो सामने पड़ी हुई है। तो लोडिंग वैगन भी काफ़ी बड़ी है, उसके लिए भी कोई सॉलिड ट्रैक्टर चाहिए था, तो इसलिए मैं इस ट्रैक्टर को जो है वो लेके आ रहा हूँ। कुछ इस ट्रैक्टर की जो है वो स्पीड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी हम जाके जो है वो अपना हे कलेक्ट करते हैं जो हमने उस दिन अरेंज कर रखा था। अभी ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे ओके, तो ये मैं कोशिश करूँगा कि फील्ड को जो है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ, बिकॉज़ बाद में जब हम इसके ऊपर ग्रास मूव करते हैं तो हे जो है वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अजीब लगता है। तो मैं कोशिश तो यही करूँगा कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैं कलेक्ट कर लूँ। अभी ये हे ही है या ग्रास है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हम लोग जो है वो ग्रास कलेक्ट कर रहे हैं। अभी मेरे को लगता है मेरे को टेक्सचर जो है वो भूल रहा है यहाँ पे हे का, तो होपफुली आई थिंक इट इज़ हे, ग्रास नहीं है ये, ग्रास का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी रात होने वाली है, तो टाइम को मैं थोड़ा सा जो है वो स्टॉप कर देता हूँ, ताकि हम एटलीस्ट ये वाला टास्क जो है इसको तो अच्छे से जो है वो कम्प्लीट कर सकें। ओके जी, लेट्स सी,
ओके, तो यहाँ पे है ना, मैं आप देख रहे होंगे कि कोई बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ, तो इसको मैं बाद में जो है वो इज़िली क्लीन कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। और लेकिन या मुझे करना है ये इसको क्लीन, क्योंकि बाद में जो है वो यू नो के टेक्सचर ओवरलैप हो जाते हैं, तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। एटलीस्ट विजुअली तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा लगता है, वैसे का मुझे नहीं पता। अबे काफ़ी बड़ी ये लोडिंग वैगन है, अभी तक देखो फुल नहीं हुई है। वाह, ओके, अगेन वी आर मिसिंग, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है वो हे मिस कर रहे हैं। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है हमने हे यहाँ पे। खैर चलो, एक दफ़ा इसको भर लेते हैं, फिर बाद में जो है वो नीट पिकिंग हम कर लेंगे। ओके, लेट्स सी, प्रोबेबली इस रो के मिड तक ही ये लोडिंग वैगन जो है वो फुल हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी ही जो है वो अनलोड हो जाएगी काउ फार्म पे। ओके, ये फुल हो चुकी है जी लोडिंग वैगन हमारी, तो इसको अभी हम डायरेक्ट कैसे ही काउ फार्म पे जो है वो अनलोड कर देंगे, ठीक है। हियर वी गो। और ये जो कुछ बेल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि काउ फार्म के अंदर भी पड़ी हुई हैं, लेकिन यार अभी इनका क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे बाहर निकालूं। अगर इसके अंदर मैंने वो बेल कलेक्टर डाल दिया तो बस फिर तो वो भी वहीं पे स्टक हो जाएगा, और अगर उसको रीसेट करता हूँ तो बेल्स, ये जो बेल्स हैं ये फिर वहीं पर रह जाएंगी। तो इनको मतलब कि यहाँ पर साफ़ करना ना खासा फ़िलहाल तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, लेट्स सी एनिमल स्टेटस, तो यहाँ पे हे का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, अभी 71,000 लीटर जो है वो हमने हे डाल रखा है, लेकिन अभी भी उनकी जो है वो लाइन जो है वो हे की वो अभी भी ऑरेंज कलर की ही है, ग्रीन नहीं हुई। तो अभी आप देख सकते हैं प्रोबेबली आई गेस कि हम यहाँ पे 1,20,000 लीटर्स के राउंड अबाउट स्टफ़ जो है वो अनलोड कर सकते हैं इनके फीडिंग ट्रॉफ में। तो आई जस्ट होप कि गाइज आप लोगों को आज का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपकी गेम प्ले के रिलेटेड या चैनल के रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय।